तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको, मतलब उत्तराखंड के ये वाले फल किसने किसने खाए, ये वाले। आज आपके ब्लॉगर हमको भी मंदिर दर्शन कराने ले जा रहे हैं, चलो चलते हैं, शाम का टाइम है। मैं भी तो एक बार बहुत पहले आई थी। कितनी बार आई यहाँ पे? मैं बहुत पहले आई थी, मतलब मेरे को याद भी नहीं है। उस टाइम तो ऐसे रास्ता था भी नहीं, मतलब जो अभी पूरा अच्छे से बन रहा था ना, मतलब जब मैं टेंथ में पढ़ती थी वो भी तब भाई। तो दोस्तों अभी दर्शन वगैरह कर लिए हमने, पूजा वगैरह कर ली है, अब चलते हैं घर। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल में, झिंकवाण ब्लॉग में। तो बस यार नए दिन की नए ब्लॉग की नई स्टार्टिंग हो गई है, जो अभी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह, मतलब 1:30 बजे के आसपास हो रही है। और अभी मैं थोड़ा तैयार होकर मार्केट जा रही हूँ, मार्केट में मेरा कुछ काम है। तो मैंने सोचा यार कुछ सामान भी लेना था घर का, ऐसी दाल वगैरह तो वो भी लूँगी, और थोड़ा दलिया वगैरह, क्योंकि सुबह में आजकल इतनी परेशानी हो रही है ना, मतलब सुबह में टिफ़न में क्या दें और शाम को सब्ज़ी में क्या बनाएं, क्योंकि आजकल सब्ज़ी में सब में मतलब ऐसे ही होता है ना, प्रसाद में तो थोड़ी दिक्कत आ ही जाती है। तो मैंने सोचा थोड़ा घर का, किचन का जो भी सामान है तो वो भी लेके आती हूँ। तो जाती हूँ थोड़ा सा मार्केट और फिर मिलती हूँ आप लोगों को। और एक बेटू अभी स्कूल से आया और सो गया, खाना खाना खा के उसको थकान सी लगी। मैंने कह रहा, वो कह रही थी कि मुझे स्टेडियम जाना है, पर अभी कह रही कि नहीं मुझे नहीं जाना। मैंने कहा चलो इसको सोने ही देती हूँ, क्योंकि सुबह उठ जाती है ना, सुबह 5 बजे उठ गई थी वो, तो फिर इस वजह से थकान भी लग गई होगी। और ये भी तैयार हो रही है, ये भी बोले मैं भी आता हूँ। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है? तो बस हो गई रेडी, चलते हैं मार्केट की ओर और थोड़ा ग्रोसरी का सामान लेते हैं। बाल अजीब से हो गए यार इस बार ना, मुझे टाइम ही नहीं लगा कि मैं बाल को थोड़ा अच्छे से करूं। अगर नेक्स्ट बार जाऊंगी ना तो थोड़ा इनके डेंटिंग पेंटिंग करके लाऊंगी। अच्छे लग रहे हैं वाले बाल? हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, नहीं भी लग रहे तो बहुत अच्छे लग रहे। तो दोस्तों इधर लग गया जाम, हम जा रहे थे आगे पर इधर जाम लग गया। तो हल्की है ना। तो दोस्तों इधर सारे लोग घूमने के लिए आ रखे हैं, देखना सब लोग, घर में कोई नहीं रुकने वाला यार, सब इधर इस पता घूमने के लिए आ रखे हैं। अच्छा लग रहा है ना, भोलेनाथ इधर भी तो भयंकर है। यहाँ देखना दोनों की दोस्ती। आजकल मेरे को लग रहा है यात्री लोग मतलब कम हो गया, क्योंकि मानसून आ गया ना और हाई अलर्ट भी था, तो इस वजह से मेरे को लग रहा है थोड़ा आजकल यात्री लोग थोड़ा कम हो गए, क्योंकि आजकल मुझे ना उतनी भीड़ दिख नहीं रही जितनी रहती है। और अभी हम सोच रहे थे रुद्रनाथ जाने की, पर अभी प्लान तो बन रहे हैं, पर अभी देखते हैं क्या होता है, या तो रक्षाबंधन को जाएंगे या तो उसके बाद ही जाएंगे ना, क्योंकि अनन्या का भी हो रहा है ना कि क्या ही करें, मतलब अनन्या को किसके साथ रखेंगे अगर दोनों जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा नीचे ना सकलेश्वर मंदिर, तो यहाँ पे ये गेट है, ऊपर रुद्रनाथ का गेट है, नीचे सकलेश्वर का गेट है। दोस्तों ये देख रहे हो नीचे है जो सकलेश्वर मंदिर दिख रहा है ये सामने, ये है, और ये है झिंकवाण जी, और मेरे को इतने पीछे छोड़ दिया, अपने को भागने पे लगे हैं। हैं भाई ऐसा नहीं है कि थोड़ा आराम आराम से चलूंगा, डर तो नहीं होती रुपाई वगैरह ना? तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सकलेश्वर मंदिर,
और हमने शाम को ऐसे ही बोला यार आजकल सावन का महीना कभी भी चले जाओ जब आपके पास टाइम है तो कभी भी मंदिर चले जाओ। तो अभी हम वही जा रहे हैं दोनों के दोनों। और अनन्या घर ही पे है क्योंकि वो सो रखी है, मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही थी पर वो सो, क्योंकि आजकल बोल रही मुझे 5 बजे उठाओ 5 बजे उठाओ, तो उस वजह से ना उसको मतलब अभी बहुत नींद आ रही थी। तो मैंने कहा यार बच्चों को परेशान नहीं करते हैं, फिर शाम को फिर स्कूल का काम वगैरह करना होता ना उसको, तो इस वजह से मैंने कहा चल तू आराम कर ले हम दोनों जाके आते हैं। तो हाँ अभी जा रहे हैं दोनों के और थोड़ा भगवान जी के दर्शन करके आएंगे, तो आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे ठीक है। तो जो मन्नत हम अपने लिए मांगेंगे वो आप लोगों के लिए भी विश करेंगे, क्योंकि आप लोग भी तो हमारा ब्लॉग देखते हो ना, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि आप लोगों के लिए भी कुछ मांगे। तो चल रहे हैं। गड़ घंटी जैसी मांग मैं तेरी भरूं चांदी को सिंदूर। ये भी पता नहीं है कि सावन का महीना लग गया, मुझे कह रहे पर कल कि सावन कहाँ लगा, मैंने कहा अभी 4 तारीख से लग गया। सावन अगले सोमवार से लगेगा भाई, तो सोमवार से तो वो तो सोमवार आएगा मतलब, तो सावन तो लग ही गया। ऐसे से लोग भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि मतलब सावन लग गया, डेली सावन ही है। हाँ मंदिर जा जाके छुट्टी कर दी आप लोगों ने। तेरी मेरी जोड़ी परु शंख दगड़ घंटी जैसी। तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको मतलब उत्तराखंड के ये वाले फल किसने किसने खाए, ये वाले देखना, और ये पक के इतना टेस्टी होते ना, पर क्या बताऊँ अभी कच्चे हैं ना, जब पक जाएंगे तो तब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को ये वाले। हाथ की मेहंदी तेरी खेलू ब्रह्म कमल जैसे, बाल तेरे सिल्क पर मोर को यो पंख जैसे, पहाड़ों में चर्चा हमर कोयल को कुकू से, बद्रीनाथ धाम मा जागेश्वर धाम मा नंदा देवी मनसा देवी सब में मांगू तुए के पानी लगी छि तुरे बरुली पानी लगी छि तुरे पानी लगी छि तुरे बरुली पानी लगी छि तुरे। आज आपके ब्लॉगर हमको भी मंदिर दर्शन कराने ले जा रहे हैं, हमने कहा चलो चलते हैं, शाम का टाइम है, घर में पड़े पड़े क्या करना है, इधर घूम फिर के आ जाते हैं। पहली बार मैं भी आ रहा हूँ सकलेश्वर मंदिर की। मैं भी तो एक बार बहुत पहले आई थी। कितनी बार आई यहाँ पे? मैं बहुत पहले आई थी, मतलब मेरे को याद भी नहीं है, उस टाइम तो ऐसा रास्ता था भी नहीं, मतलब जो अभी पूरा अच्छे से बन रखा था ना, मतलब बहुत जब मैं 10th में पढ़ती थी वो भी तब आई। अरे वाह, तब आई थी। और इधर देखना मुंगरी, मुंगरी खाने आना ठीक है। रास्ता तो अच्छा है यहाँ का, मंदिर अच्छा मंदिर भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है, गांव भी अच्छे हैं। जिंकु हर जी फूल निकाल रहे हैं पे मंदिर को चढ़ाने के लिए। अरे वाह, चलो बहुत है, अरे बहुत है, चलो। तो ये है सकलेश्वर मंदिर और इधर लोगों के घर भी है यार, मुझे लगा ये पूरा ऐसे होगा। और ये है गेट, जय हो भोलेनाथ। तो दोस्तों अभी दर्शन वगैरह कर लिए हमने, पूजा वगैरह कर ली है, अब चलते हैं घर। और मंदिर पूरा कुछ इस टाइप से है, ये है पूरा सारा मंदिर। तो अब चलते हैं घर। तो दोस्तों जो ये ऊपर दिख रहा है ना, ये रुद्रनाथ वाली लेक है, और इसके उस तरफ है ना पुंग बुग्यालय, मतलब वहां से दिखता नहीं है, जो ये ऊपर वाला है ना यहाँ से ऐसे घूम के आना पड़ता, पूरा जंगल जंगल का रास्ता है। और अभी जाएंगे कुछ दिनों में तो आप लोगों को दिखाएंगे, वैसे मन तो बहुत है जाने का रुद्रनाथ, पर अभी देखते हैं क्या होता है यार। थोड़ा अनन्या का हो रहा ना कि उसको किसके पास छोड़ते हैं, क्योंकि इस बार ये भी कह रहे कि मैं भी आऊँगा, तो मैंने कहा चलो यार चलेंगे, पर जाएंगे कब अभी ये डिसाइड नहीं करा। और क्या है ना कि थोड़ा अनन्या को अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो इस वजह से अनन्या तो चढ़ भी नहीं पाएगी यार इतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदल है 24 किलोमीटर के आसपास, तो इतना अनन्या चढ़ नहीं पाएगी। तो चल रहे हैं ऊपर, तो मिलते हैं आपको सीधा ऊपर स्कूटी में। तो यहाँ देखना कितने ज्यादा गुणी। हाँ
कैसे भाग रहे, कैसे देख रहे। ओ भाई चलो, एक आगे से देखा एक पीछे से। जैसी कान की बाली माँ, होठों की लाली माँ, नाक की फूली माँ, हाथों की चूड़ी माँ, सुबह ते कोला गोरे सिसोन जैसी तुरे पानी लगी चितुरे बरुली पानी लगी चितुरे। अपने जैसे भी चला रहे होंगे चल जाएगा, पर दूसरों के साथ बैठने में डर लगता है। अपने साथ तो जैसा भी चलाओ भाई, मैं ऐसा ही चला रही हूँ, पर दूसरों के साथ डर लगती है मुझे, पता नहीं क्यों। मतलब आप लोग गौर करना, जब जो चीज़ आपको आती है ना, फिर उसके बाद अगर कोई दूसरा वो चीज़ करेगा ना, तो ऐसा लगता है यार ये गलत चला रहा है, वैसे चला। मैं इनको भी वैसे ही बोलती हूँ कि मतलब आप ऐसा क्यों चला रहे हो, वैसे क्यों चला रहे हो। तो अभी चल रहे हैं घर, सीधा मिलते हैं आपको सीधा घर पे। बानी लगी चितुरे परुली बानी लगी चितुरे। तो दोस्तों अभी घर आ गया और मैं इस थोड़ा सा स्प्रिंग रोल लेके आई थी, ये वाले मैं अपने लिए लाई थी पावर, और ये दोनों अपने लिए चॉकलेट। ये हम दोनों के, मेरा ये वाला है। तो अभी जा रही हूँ मैं दूध लेने के लिए। तो दोस्तों अभी घर आने के बाद ना हम मार्केट से लाए थे भुट्टा, और बहुत ही अच्छे भुट्टे थे वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो यार एक दो हम भी ले जाते हैं। तो अभी ये बोले थोड़ा सा भुट्टा पकाएंगे, और ये वाले हैं। अभी मैंने छीले भी नहीं यार, आज मेरा पूरा किचन ही ऐसा मैसी मैसी हो रखा है, पूरा सब्जी भी नहीं करा मैंने आज पूरे। और परसों क्या हुआ ना, मैं माल्टे ले, मैंने सोचा था इनको चेंज करूँगी, पर क्या करना, उसके बाद मैं मार्केट गई नहीं, पूरे सड़े हुए मिले ये। तो फिर आज मैं दूसरा लेके आई हूँ, अभी सब्जी खोली तक नहीं, पर टाइम पता कितना बज गया, 9:30-9:30 के आसपास हो गया, और अभी कुछ भी काम नहीं हुआ हमारा। तो पहले थोड़ा सा भुट्टा पकाती हूँ, फिर उसके बाद बनाएंगे खाना आराम से, कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी भुट्टा भी पकी है, मतलब थोड़ी थोड़ी सी, और इसके साथ ना नमक लगा के इतना टेस्टी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया हमारा भुट्टा, और खाते हैं बहुत ही मस्त। इसमें मैंने हल्का सा नींबू और वो लगाया, क्या बोलते हैं, नमक, तो बहुत ही अच्छा टेस्टी हो रहा है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, बहुत ही इंजॉय करें। ठंडी हवा चली ही आना गो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली।